नंदेश्वर नामक एक गांव में रहता था एक आदमी किशन नामक। किशन सब्जी बेचकर अपनी रोजी रोटी कमाता था। किशन अकेला था तो उसी को खेत जाकर किसानों से सब्जी लाना पड़ता था। अपनी मेहनत की कमाई किशन बहुत संभाल कर जमा करता था, परंतु किशन अपनी कमाई से संतुष्ट नहीं था और कुछ अच्छा और बड़ा करना चाहता था। एक दिन किशन सब्जी बेच रहा था, जब एक बूढ़ी महिला अपने सिर पर सब्जी की टोकरी लिए जा रही थी। सब्जी ले लो, सब्जी ले लो। किशन उस बूढ़ी औरत को देखकर हैरान रह गया। ये महिला इतनी उम्र में सब्जी बेच रही है। किशन के सब्जी बेचने से पहले ही बूढ़ी महिला ने घर घर जाकर सब बेच दिया। जब तक किशन पहुंचा, किसी को भी और सब्जी की जरूरत नहीं थी। किशन को बुरा लगा तो उसने सोचा कि वह कल के दिन जल्दी आएगा और कुछ ना कुछ बेचेगा। परंतु अगले दिन भी वही हुआ। कुछ दिन बीत गए और किशन जानना चाहता था कि अब बूढ़ी महिला इतनी जल्दी सब्जी कैसे बेच रही थी, तो वह उसका पीछा करने लगा। बूढ़ी महिला को पता चल गया और फिर उसने मुड़कर किशन से पूछा, बेटा तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? क्या जानना चाहते हो? आओ पूछो मुझे। मुझे माफ करिएगा, पर मैं हैरान हूँ ये देखकर कि आप सब्जी हर रोज इतना जल्दी जल्दी कैसे बेच रही है। कुछ दिनों से मैं कुछ भी नहीं बेच पाया और मुझे पता नहीं मैं क्या करूं। मैं तो कई सालों से सब्जी बेच रही हूं बेटा, और मैं इस काम से कभी नहीं थकती हूं। तो बेटा तुम रोज क्या करते हो? मैं किसानों के पास से सब्जी लेता हूं और फिर गांव में आकर बेचता हूं। जो भी कमाई है उससे अपना गुजारा करता हूं। अब आपकी वजह से कई दिनों से मैंने कुछ भी नहीं कमाया। किसानों से सब्जी क्यों लेते हो? खुद की सब्जी क्यों नहीं उगाते? मुझे मदद के लिए कोई नहीं है। मैं एक छोटी सी झोंपड़ी में रहता हूँ और मेरे पास कोई जमीन भी नहीं है खेती बाड़ी करने के लिए। तुम्हें कोई बड़ी जमीन की जरूरत नहीं है। अपने घर के इर्द गिर्द जितनी भी जगह है उसमें ही तुम सब्जी उगाना शुरू करो। मुझे ये बोलने के लिए बहुत शुक्रिया अम्मा। अब केवल उगाना ही नहीं, अच्छे उर्वरक का उपयोग भी करना, तब तुम्हारी फसल अच्छी होगी। किसान सीधा घर गया और अपने घर के चारों ओर बीज बोने लगा। उसने थोड़ी सी भी जगह जाया होने नहीं दी। उसने जड़ खाने वाले सब्जियां, झाड़ियां, लताओं को बोया। कुछ हफ्तों बाद उसके सब्जियां अच्छे से उगने लगे। किशन ने उनको उखाड़ा और गांव गया बेचने के लिए। दिन पे दिन किशन को और सब्जी उगने लगी। वह अच्छा पैसा कमाने लगा और सब कुछ जमा करके उसने अपने लिए खेती करने एक जमीन का टुकड़ा खरीदा। किशन अब खेती बाड़ी करने लगा और उसकी फसल अच्छी खासी निकलने लगी। जल्द उसने एक सब्जी की दुकान खोल ली कई तरह के सब्जियों के साथ। गांव के सारे लोगों को किशन की सब्जियां अच्छी लगने लगी और उसी के पास आने लगे सब्जी खरीदने। किशन ने अब नौकर चाकरों को भी काम पे लगाया और अपनी दुकान को और बड़ा कर दिया। एक साल के अंदर ग्राम प्रधान ने देखा
कि कैसे किशन ने मेहनत करके अपने आप को खड़ा किया है। उनको किशन बहुत पसंद आया और अपनी बेटी का हाथ किशन को विवाह में दे दिया। किशन के पास अब एक सफल कारोबार, एक सुंदर परिवार और एक अच्छा जीवन था। अतः थोड़ी सी बुद्धि और मेहनत से उसका सपना पूरा हो गया।